मैं हूँ इल्मा और एक बार मैं फिर हाजिर हूँ अपनी न्यू व्लॉग के साथ। गाइज, आज का जो हमारा व्लॉग है वो दिवाली स्पेशल व्लॉग है और नसरुद्दीन चिराग दहलवी की दरगाह का। चिराग का मतलब दिवाली से आपको पता चल गया होगा कि इसलिए हम जा रहे हैं चिराग दहलवी की दरगाह पर। तो आज का जो हमारा सफ़र है वो हम मेट्रो से करने वाले हैं, तो देखते हैं हमारा मेट्रो का सफ़र कैसा रहेगा, कौन कौन है हमारे साथ। हमारी पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है, हमने मेट्रो में एंट्री कर दी है और हम अपनी अपनी सीट पर जा रहे हैं। अब तो अभी हम लोग मेट्रो के अंदर बैठ चुके हैं, हमारी पूरी टीम यहाँ पर बैठ रही है और कुछ सीट्स खाली हैं, जितनी खाली थी हम लोग बैठ गए हैं और बाकी दो चार ही स्टेशन हैं, तो नहीं ज़्यादा, 6-7 स्टेशन है। 7 स्टेशन के बाद हमारा चिराग दिल्ली मेट्रो स्टेशन आ जाएगा। ये अभी हमें यहाँ पर जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टेशन पे, चिराग दिल्ली यही रहा हमारा। तो हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर चिराग दिल्ली में और आप देख सकते हैं यहाँ की मार्केट आसपास की, और आज छोटी दिवाली है तो आप यहाँ पर भीड़ भड़ाका देखने को मिलेगा। और ये मार्केट मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको सारी दिवाली से रिलेटेड सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी, मूर्तियाँ हैं और भी सारी घर घर के डेकोरेशन के सामान हैं यहाँ पर। ये मंदिर है, मंदिर को सजाया जा रहा है। और यहाँ पर दिवाली के गिफ्ट्स रखे हुए हैं, चॉकलेट्स हैं और बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स हैं, टॉफियाँ हैं, चॉकलेट्स हैं, मिठाई हैं। ये देखिए कितने सारे लाइनदारी से दिए ही दिए रखे हैं यहाँ पे। और ये है इस दरगाह का मेन गेट, दरगाह हज़रत नसरुद्दीन चिराग दहलवी की, और हम आ गए हैं ये अंदर। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं हज़रत नसरुद्दीन चिराग दहलवी की दरगाह पे, और सबसे पहले जो हमारा कारवा शुरू होने वाला है वो हम करेंगे लंगर का, क्योंकि खाने का वक्त हो चुका है। तो सबसे पहले हम लंगर करेंगे और आपको पता है हम जिस दरगाह भी जाते हैं वहाँ लंगर ज़रूर करते हैं। तो हम कुछ लाए हैं अपने घर से बना के थोड़ा बहुत, तो हम यहाँ एक एक करके लंगर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमारे जितने भी इनायत खाने के किचन के लोग हैं, मेंबर हैं, वो लोग यहाँ पे अपना बांट रहे हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम जिस दरगाह भी जाते हैं वहाँ जाके हम सबसे पहले सफाई करते हैं, तो लंगर के बाद हमने सोचा क्यों ना सफाई की जाए। नसरुद्दीन महमूद चिराग दहलवी चिश्तिया निज़ामी रहमतुल्लाही, जी हाँ, आज हम जिस दरगाह पर गए हैं ये उन्हीं हज़रत ख्वाजा नसरुद्दीन महबूब चिश्ती निज़ामी की है। और ये जो दरगाह है वो एक बहुत खूबसूरत अहाते में है, और इस दरगाह का ये जो नमूना है वो अपने आप में बेमिसाल है। सर पर ताज है आपके, और नीचे जो बहुत खूबसूरत आर्टिस्टिक डिज़ाइंस हैं देखने को मिलते हैं, अपने आप में बेमिसाल। इस दरगाह पे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया या और दूसरी दरगाहों की तरह बहुत भीड़ तो नहीं मिलती, बस एक जो चीज़ मिलती है वो है अमन चैन। यहाँ आके आराम से जाड़ों के दिनों में आप बसर सकते हैं, अपने ख्वाजा से दरख्वास्त कर सकते हैं और उनकी गोद में सर रख कर पूरा दिन बिता सकते हैं। ये इतनी खूबसूरत जगह है जहाँ से आपका मन कभी भी बाहर आने का नहीं करेगा। दरगाह के गेट जो हैं वो खूबसूरत, बहुत खूबसूरत लकड़ी के बनाए गए हैं, सागौन की लकड़ी लगती है, और लकड़ियों पे जो इंग्रेविंग है वो
दिए उसमें बनाए गए हैं, क्योंकि आपका नाम नसुद्दीन चिराग दहलवी था, इसलिए लकड़ियों पर दिए दिखाए गए हैं। दीपक जो अपनी रोशनी से सारी दुनिया को रोशन कर दे, वो दीपक। और आज छोटी दिवाली का दिन है, इसी वजह से आज हम यहाँ आए हैं अपने सैयारा ग्रुप के साथ हज़रत नसुद्दीन चिराग दहलवी को सलाम करने के लिए। हरी चादर ऐसा लगता है जैसे कि बिल्कुल सुफियाना हरा रंग, जैसे कि नेचर का रंग, कुदरत का रंग ये हरा। उसमें लिपटे हुए प्यारे नसुद्दीन चिराग दहलवी, हज़रत निज़ामुद्दीन की आँखों के तारे हज़रत नसुद्दीन चिराग दहलवी। एक अजब रूहानियत है, एक अजब कैफियत है आपकी दरगाह में। आप हज़रत निज़ामुद्दीन के बहुत चहेते शागिर्द रहे, जो बहुत ज़िम्मेदार थे और जो बहुत मोहब्बती थे। आज भी इस दरगाह को बहुत खूबसूरत सजाया गया है। इन शीशों पर तमाम अरबी में कैलीग्राफी की गई है और बहुत खूबसूरत डिज़ाइंस बनाए गए हैं। ये शीशे अक्कासी करते हैं सूफीज़्म की उन सारी नसीहतों की, जो कि हमें इंसानियत की तरफ खींच के ले जाती हैं, जो हमें सिखाती हैं कि हम इंसान को इंसान समझें और सबको बराबर समझें। कोई छोटा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई हिंदू या मुसलमान नहीं, सब इंसान हैं। और आज ये छोटी दिवाली का दिन हमें याद दिलाता है उन नसरुद्दीन चिराग दहलवी की, जिन्होंने पूरे नगर को अपनी करामात के ज़रिए चिरागों से रोशन कर दिया था। ज़ायरीन आते हैं यहाँ अपनी अपनी मुरादें लेकर चिश्तिया सिलसिले के आखिरी चिराग के पास, ताकि वो अपनी मुराद यहाँ पाएं और उन्हें सलाम करें। आइए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से इनका नाम नसीरुद्दीन चिराग दहलवी पड़ा। एक बार की बात है, जब निज़ामुद्दीन औलिया अपनी बावरी का काम करवा रहे थे सामूहिक लोगों के लिए, और उसी ज़माने में मोहम्मद बिन तुगलक का तुगलकाबाद का किला बन रहा था, और उस किले के दौरान वो लोग रात में जाकर बावरी का काम किया करते थे और दिन में वो लोग किला बनाया करते थे। जब ये बात बादशाह को पता चली कि ये लोग रात में जाकर बावरी बनाते हैं और दिन में आकर किले में काम करते हैं और वो अच्छी तरह से काम नहीं कर पाते किले में, तो बादशाह ने कहा कि निज़ामुद्दीन औलिया से कि तुम अपनी बावरी का काम बंद करवा दो। लेकिन निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा कि ये जो बावरी है ये मैं सामूहिक लोगों के लिए बनवा रहा हूँ, जो राहगीर है, जो आते जाते हैं, उनकी प्यास मिटाने के लिए। तुम तो अपना किला बनवा रहे हो तो ये काम भी बहुत ज़रूरी है। फिर बाद में बादशाह ने कहा कि जितने भी तेली हैं, जो कि तेल देते थे रात में मशाल जलाने के लिए ताकि रोशनी हो, बावरी का काम हो, उन लोगों ने तेल देना बंद कर दिया बादशाह के कहने पर। तो क्या हुआ, क्योंकि अंधेरा हो गया तो मजदूर काम नहीं कर पा रहे थे, तो निज़ामुद्दीन औलिया ने रोशन चिराग दहलवी को भेजा और कहा कि जाओ देखो कैसे रोशनी की जा सकती है। तो नसीरुद्दीन चिराग दहलवी ने जो बावरी का छोटा थोड़ा बहुत जो पानी आया था उनको दिए में भरकर और उंगली से इशारा करके सारी तरफ रोशनी कर दी थी और सारे दिए इस तरह से जल गए, और तभी से हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने इन्हें लक़ब दिया रोशन चिराग दहलवी का। और हम लोग अभी यहाँ पर एक्सप्लोर कर रहे हैं और बहुत ही यहाँ पर शांति है, इस टाइम तो काफ़ी कम लोग हैं। और यहाँ पर आपको दरगाह के आसपास बहुत सारी आस्थानें दिख जाएंगे, ये सब मज़ार आपको दिख जाएंगे। तो ये जो मज़ार हैं हज़रत नसरुद्दीन चिराग दहलवी के बाद जो भी बुजुर्गान दीन हैं दीन थे, और तो ये उन सब के मज़ार हैं आसपास में। दरगाह के सामने ये आपको दो आस्थानें बने हुए दिखेंगे, ये मज़ार ये भी बहुत अच्छे से रेनोवेट किए गए हैं और बहुत अच्छा इस पे आर्टवर्क हुआ है। ये जो सेक्शन है ये चिरागी के लिए बनाया गया है और यहाँ पर चिरागी होती है। हाँ, ये वाला वो एरिया है जो अभी इन्होंने रिनोवेट तो नहीं कराया, वही वाइट पेंट और ग्रीन पेंट है जो पहले भी रहता था। और अभी जहाँ हम जा रहे हैं इसके अंदर उनका तख्त है जिसपे वो बैठ कर इबादत किया करते थे, कई सौ साल पुराना तख्त है। आइए हम उसको देखते हैं।
ये वो तख्त है जो उनके ही ज़माने से आज भी ऐसा ही है, ना ही इसमें कोई दीमक लगा है, ना ही इसमें कोई ख़राबी आई है। बस ये है कि इसको थोड़ा सा वो रेलिंग लगा कर सेव कर दिया गया है ताकि लोग इसको ज़्यादा छुएं ना। ये दरगाह हज़रत ख्वाजा अमालुद्दीन अल्लामा चिश्ती की है और इसको भी डेकोरेट किया गया है। देखो कितनी शानदार है, अंदर भी बहुत अच्छी तरह से सजाया गया है। ये आर्टिस्ट राजस्थान से आए थे जिन्होंने यहाँ पर इतनी अच्छी तरह से ये काम किया है, अच्छे अच्छे फ्लावर पैटर्न बनाए हैं, ऊपर शीशों का काम हुआ हुआ है। ये मज़ार हज़रत मौलाना शेख ज़ैनुल आबिदीन की है, ये चारों तरफ से खुली हुई है और ये जो झूमर लगा है बहुत ही पुराना झूमर लग रहा है। तो गाइस अब शाम का टाइम हो गया है लगभग और मैं अभी हूँ यहाँ पर हज़रत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी की दरगाह के सामने। दरगाह के सामने जस्ट सामने ये मस्जिद है, बहुत बड़ी मस्जिद है ये, बहुत बड़ी स्पेस है इस मस्जिद के लिए यहाँ पर इन लोगों ने बनाई है। अच्छा हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने भी मेरे साथी हैं, सब अलग अलग काम कर रहे हैं, तो सुमेरा और हिबा तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? हम लोगों ने यहाँ पर रंगोली बनाई है। अच्छा इसलिए तुमने यहाँ रंगोली क्यों बनाई है? रंगोली दिवाली पर सबके यहाँ बनती है तो हम लोग यहाँ पर दिवाली सेलिब्रेट करने आए हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि यहाँ पर भी एक रंगोली बनाई जाए। अभी हम तीन रंगोली और बनाएंगे, येलो ब्लू और ऑरेंज कलर से। तो हम लोग अब देखेंगे इनकी आगे की रंगोलियाँ कैसी बनेंगी, तो इसके लिए हमारे ब्लॉग के साथ बनी रहिए। सयारा हूँ मैं, इश्क मेरा सूफियाना। ये बंधनवार लगा रहे हैं यहाँ पर, चिराग दहलवी की दरगाह के गेट पर ही लगा रहे हैं। आज जैसा कि आप लोग को पता है छोटी दिवाली है, कल दिवाली है। बंधनवार जो है ज़्यादातर त्योहारों पर लगाया जाता है, शुभ माना जाता है ये। दोस्तों जितने भी औलिया हुआ करते थे वो कभी भी किसी की ग़ुलामी नहीं करते थे, उनका अपना अलग एक पॉजिटिव एटीट्यूड था। जैसे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया या कोई भी औलिया रहे हों, नसरुद्दीन चिराग दहलवी रहे हों, उन्हें किसी की भी ग़ुलामी करना पसंद नहीं था। तो बादशाह जितने थे उस टाइम के, उन्हें नसरुद्दीन चिराग दहलवी को बहुत परेशान किया करते थे कि तुम हमारे आके ग़ुलामी करो, हमारे लिए काम करो जैसे सब लोग करते हैं, और वो इनकार कर दिया करते थे। हद इतनी हो गई कि उन्हें बहुत ऑफ़र आए काम के लिए, उन्होंने मना कर दिया। तो उस ज़माने के बादशाह ने क्या किया कि यार ये बहुत हर बार मना कर देता है काम के लिए, उन्हें बुलाया और उन्हें ऐसी सज़ा दी कि उनकी जो पसलियाँ जो इसमें सुराख करके और उसमें जंजीर बांध के उन्हें पेड़ पे लटका दिया गया। तो राजा का मोटिव ये था कि मैं दिखाऊँगा कि जो हमारी बात नहीं मानता उसकी सज़ा ये होती है। लेकिन नसरुद्दीन चिराग दहलवी जो थे उनके तो अल्लाह के लिए मोहब्बत ही अलग थी और सब्र भी उनमें बहुत था। तो लोगों ने उनसे कहा कि आप बद्दुआ दे दीजिए इन्हें, आप जो बादशाह को बद्दुआ दे दीजिए, ये आप ऐसी बद्दुआ देंगे कि अल्लाह सुनेंगे और ये ख़त्म हो जाएंगे। तो उनका कहना था नहीं, मैंने कभी भी किसी को बद्दुआ नहीं दी और मैं इन्हें भी नहीं दूँगा, जो भी सज़ा देंगे अल्लाह इन्हें खुद देंगे, ये मुसलमान हैं मोमिन हैं, इसलिए मैं इन्हें कोई भी, मैं नहीं चाहता कि मेरी सास से इन्हें तकलीफ़ हो। हालांकि राजा ने उन्हें लटका दिया क्योंकि वो उनकी ग़ुलामी करने के लिए तैयार नहीं थे, फिर भी उनका सब्र इतना था कि उन्होंने बद्दुआ देने से भी मना कर दिया कि नहीं मैं इन्हें बद्दुआ नहीं दूंगा। तो ऐसे करामात चिश्तिया सिलसिले के लोगों के हुआ करते थे। चिश्तिया सिलसिले के ये आखिरी रोशन चिराग थे और आप जितनी भी इनकी स्टोरी सुनेंगे या पढ़ेंगे आपको एक ही मोरल दिखेगा, सब्र और मोहब्बत का,
کہ آپ صبر رکھیں اور محبت ایسے ہی پھیلاتے رہیں. کبھی بھی کوئی کاسٹ، کلر، کبھی بھی کسی بھی چیز کو لے کے نفرت پیدا نہ کریں، صرف محبت پھیلائیں. تو اب ہم آ گئے ہیں ادیبا کے پاس، جنہوں نے بہت ہی اچھی ایک پینٹنگ بنائی ہے، وہ بھی اس درگاہ کی. آئیے ہم جانتے ہیں انہوں نے کیا کیا کرا ہے اس کے اندر. جیسے کہ آپ نے پچھلے ولاگ میں بھی دیکھا ہوگا کہ میں نے ساری درگاہوں کے لائیو اسکیچ کیا ہے، اور آج بھی میں نے سیم وہی لائیو اسکیچ کیا ہے. اس میں دیکھ سکتے ہیں واٹر کلر اور پین ورک، وہی سیم میرا کام ہے. تو ادیبا، تم نے یہ لائیو اسکیچ کرنا کہاں سے سیکھا؟ دیکھو پرشانت، مجھے لائیو اسکیچ کرنے کے لیے پورے 4 سال لگے ہیں. میں نے 4 سال کی بیچلر کی ہے، اور اس کو اور امپروو کرنے کے لیے 2 سال کی ماسٹری. تو آپ کو پورا 6 سال کا کورس کرنا پڑے گا اس کے لیے. جیسا کہ آپ نے دیکھا اور سنا، کافی زیادہ ایکسپیرئنس ہے ہماری ٹیچر کو. اگر آپ میں سے کسی کو سیکھنا ہو تو آپ ان سے ضرور کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. چلیے ہم ان کا انسٹاگرام ہینڈل ضرور جان لیتے ہیں کہ اگر آپ کو اگر ان تصویروں تک پہنچنا ہو اور یا ان تک پہنچنا ہو تو آپ ان تک کیسے پہنچے جائے. بالکل، آپ میرا انسٹاگرام فالو کر سکتے ہیں، ادیبا 2212199. تو گائز، اب اندھیرا ہو چکا ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں ہم ہر درگاہ پہ چادر پوشی کرنے جاتے ہیں. اور دیکھیے یہاں کی چادر ہماری لال ہے، کیونکہ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی بھی چشتیہ سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہم نے ساری چشتیہ سلسلوں کی چادر لال ہی رکھی ہیں. تو اب ہم چادر پوشی کرنے جا رہے ہیں، تو آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے. روشن چراغ چشتیہ، خواجہ نصر الدین عشقیہ. صبر و ضبط کا وہ بہتا ہوا دریا، جس نے دشمن کو بھی ہمیشہ معاف کر دیا. عجب ہے نظام عکس کی جھلکتی اس میں ضیا، جس نے پانی سے چراغ روشن کر دیا. اجودھا کا لال دہلی کا پیا، نورانی سلسلے کا آخر صوفیہ.